फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो हम बात करेंगे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स मैच के बारे में, जो गाइस खेला जाएगा यहाँ से यूएसए और होंडुरस के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। तो गाइस इस वीडियो में इन दोनों टीमों के हर एक प्लेयर्स के बारे में फुल डिटेल्स में हम बात करेंगे। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और ध्यान से देखना, ओके। तो अब हम नज़र डालते हैं सीधे इन दोनों टीमों की फीफा वर्ल्ड रैंकिंग पर। तो गाइस यूएसए फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में फिलहाल के टाइम पर 11th पोजीशन पर है। वहीं पर बात करें होंडुरस फिलहाल के टाइम पर 76th पोजीशन पर है। तो गाइज इन दोनों टीमों की जो पोजीशन है उसमें ही काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो गाइज अब बात आती है कि इन दोनों टीमों में से हम किस टीम को अपनी ड्रीम इलेवन टीम के लिए एक फेवरेट टीम मान चले। तो गाइज मैं फिलहाल के लिए यूएसए को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। क्यों? क्योंकि फीफा रैंक के अनुसार भी एक बेहतर टीम है और ये मैच इस टीम के होम ग्राउंड में, और ये टीम जब भी अपने होम ग्राउंड मैच खेलती है या तो मैच को विन करती है या मैच को ड्रॉ खेलती है, लेकिन ये टीम जल्दी से मैच को नहीं करती। तो इसीलिए मैं यूएसए को एक फेवरेट टीम मानकर चलता हूं। लेकिन गाइस हम बात करेंगे जब ये दोनों टीमें आपस में हेड टू हेड मैचेस खेलते हैं तो किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इन दोनों टीमों की ओर से, और वहां से भी क्लियर हो जाएगा कि कौन सी टीम इस मैच में क्लियर कट फेवरेट टीम होने वाली है हमारी शमोली टीम क्रिएट करने के लिए ड्रीम इलेवन पर। तो नजर डालते हैं इन दोनों टीमों का हेड टू हेड मैचेस पर। तो गाइस इन दोनों टीमों के बीच में लास्ट 5 हेड टू हेड मैच खेले गए, जिनमें से यूएसए ने इस टीम के सामने 4 मैच विन किए और 1 मैच ड्रॉ खेला। अभी तक इस टीम के सामने एक भी मैच लॉस नहीं किया। अटैकिंग वाइज 2.8 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस 0.6 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहने का मतलब जब यूएसए इस टीम के सामने खेलती है तो प्रत्येक मैच में कम से कम एक, और कभी कभी तो इस टीम के सामने पर मैच में 2 या 3 और कभी कभी तो 4 गोल भी स्कोर कर देती है, लेकिन डिफेंस जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती। आप मान सकते हो कि टीम के सामने प्रत्येक 2 मैच में सिर्फ 1 ही गोल कंसीड करती है। तो परफॉर्मेंस अटैक से लेकर डिफेंस तक, विन से लेकर ड्रॉ तक यूएसए का हेड टू हेड में काफी शानदार देखने को मिलता है। तो इसीलिए मैं इस टीम को एक फेवरेट टीम मानकर चलता हूं। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच इन दोनों टीमों के बीच में हुआ, उस मैच को होंडुरस 4-1 से मैच को लॉस कर गई और यूएसए उस मैच को विन कर गई, 4 गोल करे लेकिन डिफेंस 1 गोल कंसीड किया। लेकिन उससे भी मुकाबला फिर इन दोनों टीमों के बीच मैच हुआ और फिर से यूएसए इस टीम के सामने 1-0 से विन कर गई। अटैकिंग वाइज इस टीम के सामने 1 गोल करा लेकिन डिफेंस गोल कंसीड नहीं किया। लेकिन उससे भी मुकाबला फिर इन दोनों टीमों के बीच मैच खेला गया और उस मैच को इन दोनों टीमों ने अटैकिंग वाइज ड्रॉ खेला, लेकिन उससे भी मुकाबला फिर इन दोनों टीमों के बीच में 6-0 से मैच को विन हुआ यूएसए ने, और फिर यहाँ से होंडुरस फिर से इस टीम के सामने 2-1 से लॉस कर गई। तो गाइस देखा जाए तो यूएसए ने इस टीम के सामने काफी शानदार परफॉर्मेंस किया है अटैक से लेकर डिफेंस तक। एक मैच में यूएसए ने गोल कंसीड किया, एक में गोल कंसीड नहीं किया, फिर गोल कंसीड किया, फिर गोल कंसीड नहीं किया, फिर गोल कंसीड किया। क्या आज गोल कंसीड करेगी या नहीं करेगी वो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन लॉजिक तो ये कहता है कि यहाँ से यूएसए इस मैच में गोल कंसीड नहीं करना चाहिए। तो गाइस हेड टू हेड के अकॉर्डिंग तो यूएसए ही फेवरेट टीम मान चलती है, मान कर निकल कर आती है। तो इसीलिए मैं इस टीम को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। लेकिन हम इन दोनों टीमों करंट फॉर्म पर भी नजर डालते हैं कि कौन दिन इन दोनों टीमों में से किस टीम का बेहतर परफॉर्मेंस फिलहाल टाइम पर। तो गाइस यूएसए ने करंटली खेले हैं 6 मैच, जिनमें से 4 मैच विन किए, 1 मैच ड्रॉ खेला और 1 मैच लॉस किया। अटैकिंग वाइज 1.2 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस 0.7 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहने का मतलब ये टीम ऑन एन एवरेज पर मैच में फिलहाल के टाइम पर 1, और कभी कभी ये टीम पर मैच में 2 गोल भी कर देती है, लेकिन डिफेंस वाइज ये टीम जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती। आप मान सकते हो ये टीम प्रत्येक 2 मैच में सिर्फ 1 ही गोल कंसीड करती है। तो परफॉर्मेंस अटैक से लेकर डिफेंस तक काफ़ी शानदार है यूएसए का। तो गाइस बात करें जो पिछला मैच यूएसए कनाडा के सामने 2-0 से मैच को लॉस कर गई, अटैकिंग वाइज गोल नहीं किया बल्कि डिफेंस से 2 गोल कंसीड कर दिए, लेकिन उसके मुकाबले यूएसए साल्वाडोर के सामने 1-0 से मैच को विन किए, और उससे भी मुकाबले बोस्निया के सामने 1-0 से मैच को विन किए। एक मैच इस टीम ने अटैकिंग वाइज ड्रॉ खेला और उससे पिछले 2 मैच एक मैक्सिको और एक कोस्टा रिको के सामने 2-1 और 2-0 से मैच को विन किया। तो परफॉर्मेंस देखा जाए तो एक मैच छोड़ दिया जाए बाकी सारे मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा इस टीम का अटैक से लेकर डिफेंस तक। तो इसीलिए मैं इस टीम को एक फेवरेट टीम मानकर चलता हूँ। लेकिन गाइस हम बात करेंगे होंडुरस का जो करंट फॉर्म उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल के टाइम पर जो परफॉर्मेंस है एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। तो गाइस होंडुरस ने करंटली खेले हैं 6 मैच, जिनमें से अभी तक भी एक मैच विन नहीं किया, एक मैच ड्रॉ भी नहीं खेला बल्कि सीधे 6 मैच लॉस किए। अटैकिंग वाइज 0.7 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस 2.2 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहना का मतलब ये टीम फिलहाल के टाइम पर ऑन एन एवरेज पर 2 मैच में 1 ही गोल कर पाती है, लेकिन डिफेंसिव वाइज ये टीम प्रत्येक मैच में 2 और कभी कभी तो टीम 3 या 4 गोल तक कंसीड भी कर देती है। तो परफॉर्मेंस अटैक से लेकर डिफेंस का होंडुरस का काफ़ी डाउन देखने को मिलता है। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच होंडुरस साल्वाडोर के सामने 2-0 से मैच को लॉस,
उससे पहले मुकाबला फिर 2-0 से लॉस, फिर इस टीम ने 2-1 से लॉस, फिर उससे पहले मुकाबला 2-1 से लॉस, फिर एक मैच 3-2 से लॉस और फिर एक मैच इस टीम ने 2-0 से लॉस। तो इसके लगे हुए हैं एल। तो गाइज काफ़ी डाउन परफॉर्मेंस इस टीम का अटैक से लेकर डिफेंस तक, तो इसीलिए मैं इस टीम को एक फेवरेट टीम मान के नहीं चलता। ओके, तो बात आती है इस मैच के स्कोरलाइन प्रेडिक्शन क्या हो सकते हैं हमारे समोली टीम क्रिएट करने के लिए ड्रीम 11 पर। तो गाइज सबसे पहले हमने इन दोनों टीमों की फीफा वर्ल्ड रैंकिंग पर नजर डाली। ओके, फिर इन दोनों टीमों का हमने हेड टू हेड मैच पर नजर डाली, फिर इन दोनों टीमों के रिसेंट फॉर्म पर भी नजर डाली। अगर हम इन तीनों फॉर्मेट को एक साथ कंपेयर करेंगे कौन सी टीम के बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इन तीनों फॉर्मेट में, तो गाइस फीफा रैंकिंग के अनुसार तो यूएसए एक बेहतर रैंक लेकर बैठी है एज कंपेयर टू होंडुरस। तो यहां से तो यूएसए ही फेवरेट टीम निकल कर आती है, ना कि होंडुरस। ओके, तो बात करें रिसेंट हेड टू हेड के अकॉर्डिंग, तो गाइस हेड टू हेड में यूएसए ने जब भी इस टीम के सामने मैच खेला या तो मैच को विन किया या मैच को ड्रॉ खेला, लेकिन इस टीम के सामने आज तक मैच को लॉस नहीं किया। तो इसीलिए यहां से भी यूएसए एक फेवरेट टीम निकल कर आती है। बात करें रिसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग, तो गाइस यूएसए ने करंटली रिसेंटली काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है अटैक से लेकर डिफेंस तक, लेकिन कनाडा से एक मैच लॉस किया, लेकिन होंडुरस का जो परफॉर्मेंस है इसके लगे हुए हैं फिलहाल के टाइम पर एल। तो गाइस तीनों फॉर्मेट में अगर देखा जाए तो सीधा सीधा फेवरेट टीम तो यहाँ से यूएसए ही निकल कर आती है। तो फाइनली बात आती है इस मैच का, अब इस स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या होना चाहिए। तो गाइस मैं मान के चला हूँ कि ये मैच यूएसए अपने होम ग्राउंड में खेलेगी, तो कहीं ना कहीं इस मैच में आराम से इस टीम के सामने 2 गोल तो कर ही देगी और डिफेंस गोल कंसीड नहीं करेगी। तो इसलिए अपना इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन अभी के लिए 2-0 है, और 2-0 को प्रेडिक्शन के अनुसार हम अपने ड्रीम 11 टीम क्रिएट करने वाले हैं ड्रीम 11 पर। उससे पहले हम बात भी करेंगे इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में, कौन से प्लेयर ने कितने गोल और कितना असिस्ट किए। तो सबसे पहले नजर डालते हैं यूएसए के प्लेयर्स के बारे में, फिर हम नजर डालेंगे होंडुरस के जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में, कौन से प्लेयर ने कितने गोल और कितना असिस्ट किए। तो एक बार नजर डालते हैं यूएसए के प्लेयर्स के बारे में। उससे पहले अगर आप बिल्कुल नए हो और आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। क्यों? क्योंकि काफी कम समय में आपके लिए काफी ज्यादा नॉलेज इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यू मिलती भी रहेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी करना। और हाँ, इस मैच की जो फाइनल टीम रहेगी ना वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने टॉप के कमेंट और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन भी कर सकते हो। ओके, बात करें सीधे मुद्दे के प्लेयर वाइज की, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए, तो नजर डालते हैं यूएसए के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस यूएसए की टीम तरफ फिलहाल टाइम पर जो हाईएस्ट गोल रिकार्डो पेपे इस टीम की तरफ से 3 गोल कर चुका, और कहीं ना कहीं यंग प्लेयर है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया इसने रिसेंटली अब नेशनल टीम के लिए, तो कहीं ना कहीं हमें टीम में ट्राई करके चलना चाहिए। रॉबिनसन इस टीम की तरफ से 2 गोल कर चुका, और यहाँ से आरोनसन जो कि प्रीवियस मैच में भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया था, तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है सर्जिनो डेस्ट जो कि आप जानते हो काफ़ी बेहतर प्रीमियर लीग में खेलता है और अच्छा परफॉर्मेंस करता है। वेस्टन मैकनी जो कि जुवेंटस के लिए खेलता है तो ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करता है, और पुलिसिक जो कि चेल्सी के लिए है तो आप जानते हो काफ़ी अच्छा प्लेयर है, और बाकी यहाँ से ललेटगेट जो कि फिलहाल के टाइम पर ये एमएलएस यानी मेजर लीग सुपर लीग में खेलता है, तो कहीं ना कहीं इसका भी परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रहा है अटैक से लेकर डिफेंस तक। अब यहाँ जो मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर है, अगर यहाँ से रिकार्डो पेपे स्टार्ट करता है तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, सारे प्लेयर इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें किनको पिक करना है वो आफ्टर लाइनअप आपको ना ये पता चल जाएगा कि कौन से प्लेयर की पोजिशन बेहतर है, उसके अनुसार ही अपनी टीम में ट्राई कर लेना। और मैं प्लेयर की पोजिशन यानी इस मैच की लाइनअप रहेगी जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। ओके, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का तरीका सबसे आसान है, लिंक के जरिए करना, सर्च करके आपको बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करना क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल बन चुके हैं। ओके, तो यहाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर मैं फिर से टिक कर देता हूँ, अगर पुलिसिक खेलता है तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, सर्जिनो डेस्ट को बिल्कुल ड्रॉप नहीं करेंगे, और यहाँ से रिकार्डो पेपी और इन दो में से किसी एक को ट्राई करना, वो भी आफ्टर लाइन में देख लेना कि कौन से प्लेयर की पोजिशन सही है। ओके, तो बात आती है इस टीम तरफ से कौन से प्लेयर जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए हैं अपनी टीम के लिए, तो नजर डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर। तो गाइज असिस्ट में हमने देखा जाए तो रिकार्डो पेपे जो कि 3 असिस्ट निकाल चुका, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, गोल पोटेंशियल भी काफ़ी हाई है। रॉबिनसन इसने 1 असिस्ट निकाला, बाकी जितने और भी प्लेयर्स उन सभी ने भी 1-1 असिस्ट निकाला, आप चाहते इन सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब यहाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है मैं उनको टिक कर रहा हूँ, और उन्हें आप अपनी टीम में एज ए प्लेयर के तौर पर एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन भी दे सकते हो। ओके, तो इनको टीम में ट्राई करके जरूर चलना। बात आती है जो सेकंड टीम उसके जो प्लेयर्स उनके बारे में, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए, तो नजर डालते हैं होंडुरस के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस होंडुरस की टीम की तरफ से फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के मैच में ब्रायन मोया जो कि 2 गोल कर चुका है, तो यही कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और यहाँ से एलिस भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, अगर ये स्टार्टिंग लाइनअप में आपको देखने को मिले तो टीम में ट्राई करना। ओके, रोमेल जो कि डिफेंसिव पॉइंट कहीं ना कहीं दे ही जाता है, लेकिन अलेक्जेंडर लोपेज एक ऐसा प्लेयर जो इस टीम की तरफ से फर्स्ट चॉइस पेनल्टी टेकर है, तो पेनल्टी के रूप में अगर किसी प्लेयर को ले रहा है तो यहाँ से लोपेज को हम टीम में ट्राई करके चल लेना। ओके, तो बात आती है इस टीम तरफ से कौन से प्लेयर जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए, तो नजर डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर।
तो गाइस असिस्ट में देखा जाए तो सारे प्लेयर्स ने यानी मैनोर जिसने एक असिस्ट निकाला और डियागो रोड्रिगोज एक असिस्ट और यहाँ से एलिवियर जिसने एक असिस्ट निकाला। अब यहाँ से इन तीन में से कोई किसी एक को ट्राई करना, मेरा यहाँ मान रहेगा कि आप डियागो रोड्रिगोज को टीम में ट्राई करके चल लेना। ओके तो बात आती है इस मैच की स्कोरलाइन प्रेडिक्शन के अनुसार क्या रहनी चाहिए इस मैच जो हमारे समोली टीम है ड्रीम इलेवन पर, तो सीधा अब नजर डालते हैं हम इस मैच की टीम पर। और हाँ, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह की वीडियो के नीचे आपको लाइन दिख रही होगी लाल सी, और उस पर आप क्लिक करना, और जैसे आप क्लिक करोगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते। ओके तो चलिए नजर डालते हैं इस मैच की टीम पर। गाइस सबसे पहले बात करें गोल कीपर में, उससे पहले हमने ये मान के चला है कि यूएसए इस मैच में एक फेवरेट टीम है, तो सात प्लेयर तो यूएसए के चाहिए हमें इस टीम में, ओके मतलब इस मैच के लिए। ओके और होंडुरस के चाहिए हमें सिर्फ चार प्लेयर, सात चार के कॉम्बिनेशन के अनुसार हम अपनी टीम बनाएंगे इस मैच में। ओके तो बात करें गोल कीपर में, सबके सामने आपके सामने है लोपेज और यहाँ से स्टीफन, इन दोनों में से एक मतलब दोनों स्टार्ट करेंगे अपनी अपनी टीम तरफ से, लेकिन मैं यहाँ जो सबसे ज़्यादा दर्जा देख चलूँगा लोपेज, क्यों, क्योंकि ये यूएसए काफ़ी अटैकिंग टीम है और इसको कहीं ना कहीं गोल सेव करने के चांस ज़्यादा रहेंगे। ओके तो बात करें डिफेंडर में, रॉबिन्सन एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, यिल्दिन मतलब येडलिन एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, सर्जिनो डेस्ट, इन तीन को बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करेंगे। ओके तो इन तीन को अभी के लिए हम टीम में पिक कर चलेंगे, और जिम्मर मैन अगर खेलता है तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, और यहाँ से सी रिकार्ड्स खेलता है, जो भी खेलेगा तो इनको ट्राई करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम एक को प्लेयर ट्राई करेंगे, वो हमारा रहेगा फिलहाल के लिए जिम्मर मैन, क्योंकि डिफेंसिव पॉइंट भी अटैकिंग पोजीशन पर रहता है। बाकी जितने भी यहाँ से यूएस होंडुरस के प्लेयर रहेंगे उन सबको आपको इग्नोर करना, क्योंकि ये ज़्यादा डिफेंसिव पॉइंट भी नहीं देंगे। ओके तो बॉल पोजीशन कौन रखेगी, यहाँ से रखेगी यूएस से, तो कहीं ना कहीं इसी प्लेयर का डिफेंसिव पॉइंट भी आएंगे, प्लस आपको पासेस का पॉइंट यही देंगे। मैकेंजी खेलेगा तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, एक बेहतर प्लेयर है, लो स्कोरिंग मैच में कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो ग्रैंड लीग में। ओके तो ड्रॉप मत करना, याद रखना। ओके तो बात करें मिडफील्ड में, तो यहाँ से विल मैकनी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, गोल पोटेंशियल है इसके अंदर, टी एडम्स खेलने के चांस थोड़े से डाउन है, एरिगा एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, हम इनको अभी के लिए ट्राई करके चलते हैं। ओके यहाँ जो डियागो फर्नांडिस यानी रोड्रिगोज है होंडुरस की तरफ से असिस्ट पोटेंशियल करता, प्लस ये डिफेंसिव पॉइंट को कहीं ना कहीं अच्छा दे जाता, एलोनसन जो कि गोल पोटेंशियल है और असिस्ट पोटेंशियल इसने अभी तक निकाली हुआ, बरियान अकोस्टा डिफेंसिव पॉइंट देगा, और डिफेंसिव प्लेयर को हमें अभी टीम में ट्राई करके चलना है। और यहाँ से ललेट गेट काफ़ी लो सेलेक्शन है, लेकिन एमएलएस में तो काफ़ी अच्छा खेलता है, लेकिन नेशनल टीम के लिए जब भी इसको कॉल मिलती है ना तो इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा डम रहता है, तो इसलिए ग्रैंड लीग में एक दो में कैप्टन बनाना, क्योंकि गोल पोटेंशियल काफ़ी हाई रखता है। ओके बाकी यहाँ से रोल डाउन खेलने के चांस थोड़े से डाउन है, लेकिन खेलता है तो एक इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा, ये भी एज ए ललेट गेट है। ओके ये भी ऐसे ही प्लेयर है, और यहाँ से रोड्रिगोज मूसा एक ऐसा प्लेयर जो कि डिफेंसिव पॉइंट देता है, ये बिना गोल के 15-20 पॉइंट देने की क्षमता रखता है। बाकी यहाँ से कैरियन अकोस्टा और बाकी इनका खेलने का चांस थोड़े से डाउन है, ड्रॉप ही कर देना। ओके तो बात करें सेंटर फॉरवर्ड में, तो यहाँ से आपके सामने क्रिस्टियन पुलिसिक और यहाँ से बी मोया और रिकार्डो पेपी, सिलेक्शन रिकार्डो पेपी का आपको देख सकते हो यहाँ से कितना कम है, तो यहाँ से रिकार्डो पेपी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, पुलिसिक को हम टीम में ट्राई जरूर करेंगे, अब चाहे किसी भी प्लेयर को हमें ड्रॉप करना पड़े। ओके तो हम अभी के लिए ड्रॉप करके चल रहे हैं अरोनसन को। ओके और यहाँ से पुलिसिक को ट्राई करते हैं, अब आपकी चॉइस रहेगी आपके सामने कोटा और ब्रैन मोया एक इंपॉर्टेंट प्लेयर, मैं यहाँ से मोया को पिक कर चलूँ, लेकिन अगर देखा जाए ना तो यहाँ से जो होंडुरस टीम है अटैकिंग वाइज काफ़ी डाउन है, तो आप चाहे इनको ड्रॉप करके किसी एक डिफेंसिव प्लेयर को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, जैसे कि मेजिया। ओके तो अभी के लिए मैं यहाँ से मोया को पिक कर चलूँ। बात करें कैप्टन प्लस वाइस कैप्टन की, ऑब्वियस पिक रहेगी यहाँ से मेरे कैप्टन की रिकार्डो पेपे, लेकिन जो प्लेयर बेहतर है यहाँ से पुलिसिक है, क्योंकि ये प्रीमियर लीग खेल चुका, काफ़ी एक्सपीरियंस रखता है, गोल पोटेंशियल काफ़ी हाई है, तो इन्हें टीम में कैप्टन बनाएंगे अगर खेलेगा तो, वरना वाइस कैप्टन हम देंगे यहाँ से रिकार्डो पेपे, क्यों, क्योंकि गोल पोटेंशियल प्लस असिस्ट पोटेंशियल दोनों रखता है, तो ये हमारी टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन। आप चाहते हैं जनता के साथ जा सकते हो विल मैकनी के साथ। ओके क्योंकि ये भी अच्छा प्लेयर है, डिफेंसिव पॉइंट देता है, प्लस गोल पोटेंशियल है, लेकिन इतना अगर गोल नहीं आए ना तो इतना मुझे लगता नहीं ज्यादा डिफेंसिव पॉइंट भी दे जाएगा। ओके तो अभी के लिए मैं यहां से एज अकॉर्डिंग टू प्रेडिक्शन गए, तो यहां से कैप्टन की बात की जाए तो ये रखें। बात करो फाइनल टीम इस प्रकार दिखती है हमारी इस मैच की, जिसमें कैप्टन आपके सामने पुलिसिक है, वाइस कैप्टन रिकार्डो पेपी है, यहाँ से मैकेनी भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बना सकते हो, लेकिन आप लगे कि कैप्टन एक लो स्कोरिंग मैच हमें एक्सपेक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सबसे बेस्ट ऑप्शन सर्जिनो डेस्ट, ये डिफेंसिव पॉइंट देता है और अच्छी खासी पोटेंशियल है असिस्ट करने की। ओके तो टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन भी इन्हें बना सकते हो। अब यहाँ से जो होंडुरस के प्लेयर हैं उनका ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनको कैप्टन वाइस कैप्टन देना मेरे हिसाब से इस मैच में बहुत ही गलत है, तो आप इनको प्लेयर को मत देना। और यहाँ से आपको जो फाइनल टीम रहेगी ना जो वो आपको टेलीग्राम से मिलेगी, क्यों, क्योंकि लाइनअप बहुत मायने रखती है फुटबॉल में, तो उसके अनुसार हमारी टीम जो फाइनल रहेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं अपडेट कर दूंगा। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतने के लिए खुद का ख्याल रखें, और चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो मतलब हमारा जो चैनल का लिंक है ना वो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और लिंक से ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, सर्च करके नहीं करना। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतने के लिए टेक केयर एंड बाय, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करते होना।